وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد أصحابه أجمعين العظيم التكريم برادران ملت گزشتہ دو جمعۃ المبارک کے خطبات میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے دو اہم پہلو یعنی صداقت و دیانت کا تذکرہ کرتے رہے ہیں. یوں لگتا ہے کہ صداقت، امانت و دیانت یہ ایک ہی تصویر کے دو رخ ہیں. لہذا جہاں صداقت نہیں ہے، سچ نہیں ہے، وہاں امانت بھی نہیں ہے. جہاں ایفا عہد نہیں ہے، وہاں پر عہد کی پاسداری ہی نہیں ہے. جہاں پر کسی شخص کے دل میں امانت کا احساس نہیں ہے، وہاں سچ بولنے کی اہمیت کا بھی احساس نہیں ہے. یہ گویا امانت اور دیانت، صداقت اور عہد کی پاسداری یہ لازم و ملزوم ہے. ان کا آپس میں چولی دامن کا ساتھ ہے. ایک ہاتھ سے نکل جائیں تو دوسری خود بخود نکل جاتی ہے. آدمی کے دل میں سچائی نہ ہو، نیت میں کھوٹ ہو، معاملات میں، روزمرہ کے تعلقات میں آدمی جھوٹ بولنے کا عادی ہو تو وہ بدیانتی کا بھی مرتکب ہو جاتا ہے. مگر جس کی زبان جھوٹ کی آمیزش سے محفوظ رہے، جھوٹ کی آلودگی سے محفوظ رہے، اس کے ہاتھ بھی کبھی بدیانتی سے آلودہ نہیں ہو سکتے. یہ آپس میں بالکل ایسی ملی ہوئی چیزیں ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو منافق کی تین علامتیں بتائیں اس میں اذا حدث کذبا، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، وَإِذَا اُؤْتُمِنَ خَانَةً، جب امانت دی جائے تو بدیانتی کرے. یہ گویا منافقانہ کردار کی یہ دونوں خصوصیات ہیں. لیکن یہ اتنی اہم خصوصیات ہیں کہ کسی شخص میں اگر یہ امانت اور دیانت کا پاس نہ ہو، کوئی آدمی جھوٹ اور بدیانتی کا شکار ہو جائے تو یہ اپنے ساتھ ہزاروں اخلاقی برائیاں خود بخود لے آتی ہیں. اور کسی شخص میں اگر صداقت اور امانت پا جائے تو صداقت اور امانت کی برکت سے ہزاروں اخلاقی خوبیاں انسان کے پیکر خاکی میں داخل ہو جاتی ہیں. اس لیے صداقت اور امانت یہ دو بنیادی وصف ہیں جو نبوت کا ایک اہم خاصہ ہیں، اور ان میں سے کوئی ایک بھی اگر کم ہو جائے تو دوسرا خود بخود کم ہونا شروع ہو جاتا ہے. اس لیے اس بات کا پاس رکھنے کی ضرورت ہے،
जो अखलाक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनायत फरमाए, रसूलुल्लाह ने फरमाया इन्नमा अना बुइस्तु लिउतम्मिमा मकारिमल अखलाक, मैं इसलिए आया हूं कि अखलाक को अपनी आखिरी बुलंदी और चोटी तक पहुंचा दूं। इसलिए दीन इस्लाम में और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस्वा हसना में सिर्फ बदयानती किसी का माल लेकर के या सरकारी या किसी प्राइवेट इदारे का फंड लेकर के हजम करने का नाम ही नहीं है। बदयानती सिर्फ किसी से अमान लेकर के वापस न देने का नाम ही नहीं है, बल्कि कुरान हकीम ने और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस्वा हसना ने बेशुमार चीजों को अमानत और दयानत में शामिल कर दिया। यहां तक कि कोई शख्स किसी से मशवरा करे वो भी अमानत होती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल मुस्तशार व मुतमिन, फरमाया जिससे मशवरा किया जाए वो अमानतदार हो जाता है, यानी जिससे मशवरा किया जाए उसके लिए ये रवा नहीं है कि वो उस शख्स की बात रात बूसों तक पहुंचा दे। बल्कि अबू दाऊद शरीफ की हदीस है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कोई शख्स बात करते हुए अगर इशारे से भी यूं देखे कि जिस तरह कोई दूसरा देख तो नहीं रहा है, एक तो होता है ना जबान से कहना कि भाई मैं ये बात कर रहा हूं, किसी से जिक्र नहीं करना, उसके बाद जिक्र करना तो बहुत बड़ा जुर्म है, मगर किसी ने बात करते हुए इस तरह से जाके सरगोशी की, करीब जाके बात की या बात करते हुए आगे पीछे देखा कोई देख तो नहीं रहा है, फरमाया उस शख्स के लिए भी उस बात की अमानत करना जरूरी है कि वो बात किसी से ना कहे, अगरचे उसने जबान से कोई बात नहीं कही, लेकिन जिसको आप कहते हैं ना जदी इस्लाम में बॉडी लैंग्वेज, कि आदमी के आजा की हरकत से यह मालूम हुआ कि वो समझता था कि यह बात किसी दूसरे तक नहीं पहुंचे। फरमाया अल मुस्तशार व मुतमिन, जिससे बात की जाए मशवरा किया जाए यह भी अमानत है, अगर वो शख्स दूसरे तक पहुंचाएगा बात तो यह भी अमानत में बदयानती हो जाएगी। फिर फरमाया अल मजालिस बिल अमाना, मजलिसें अमानत वाली होती हैं। कोई मीटिंग हो रही है किसी डिपार्टमेंट में किसी शोबे में, अगर मीटिंग के शुरका बाद में वो सारी चीजें लीक आउट कर लें तो अगरचे उन्होंने किसी का माल लेके तो हड़प नहीं किया, लेकिन दीन इस्लाम की नजर में ये भी बदयानती है। इसलिए कि अल मजालिस बिल अमाना, जितनी मजलिसें होती हैं जितने मशवरे होते हैं ये सारे अमानत के मुस्तहिक होते हैं, और ये बात यहां से चलते चलते, और हर शख्स के पास कुछ ना कुछ अमानत है, छोटे आदमी के पास कम अमानत है, बड़े के पास ज्यादा अमानत है, हमारे असिस्टेंट कमिश्नर हैं तो उनके पास अमानत कम है, उनके पास एक तहसील की अमानत है, डिप्टी कमिश्नर है तो पूरे जिले की है, और अगर कमिश्नर है तो पूरे डिवीजन की अमानत है, और इसी तरह से मुल्क का कोई सदर है, वजीर आजम है, सेक्रेटरी है, अपने अपने मनसब के मुताबिक सबके पास अमानतें मौजूद हैं, और सबसे उन अमानतों के बारे में सवाल होगा। जो शख्स भी कहीं अमानत में बदयानती करेगा अल्लाह के यहाँ उससे उस अमानत के बारे में बासपुरस होगी। तो जिस तरह से आदमी मरलवार आगे बढ़ता है, कैसे कोई बच्चा अगर नर्सरी में दाखिल हो उसके बाद प्रेप में जाता है, या आप पुरानी इस्तेलाह इस्तेमाल करें कायदे में दाखिल हुआ, पहली में गया, दूसरी में गया, तीसरी में गया, उसके बाद आगे जाता है, तो जो आदमी कायदा ना पढ़े वो पहली पढ़ सकता है? हरगिज नहीं पढ़ सकता। जिसने पहली ना पढ़ी वो दूसरी नहीं पढ़ सकता। इसी तरह से ये अमानतों का मरला वार एक निजाम अखलाक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अता फरमाया, जिसमें सबसे बुनियादी बात माली अमानत है। जो शख्स माली मामलात में बदयानती करें वो मजलिसों और मीटिंगों के राज कैसे महफूज रख सकता है? जो शख्स माली मामलात में करप्ट हो वो शख्स किसी भी तरह से दूसरे मामलात में मशवरों को कैसे छुपा के रख सकता है? और जो शख्स इस तरह की हरकतों का शिकार हो वो फिर जो आखिरी तसव्वुर है वो तसव्वुर क्या है? इन्नस समा वल बसर वल फुआदा कुल उलाएका काना अनहु मसूला। अमानतें सिर्फ पैसे की सूरत में नहीं होती हैं, मशरू की सूरत में नहीं होती। फरमाया ये सारा वजूद, इस वजूद की सारी सलाहियतें, हमारी देखने की कुव्वत, सुनने की कुव्वत, पकड़ने की कुव्वत, सोचने की कुव्वत, ये सब की सब कुव्वतें अल्लाह जल्ला शानहू ने एक खास महदूद वक्त के लिए हमें अमानत के तौर पर अता फरमाई हैं।
इन समा वल बसरा वल फुआदा कुल्लु उलाएका काना अनहु मसूला। इन सारी अमानतों के बारे में अल्लाह हमसे सवाल पूछेंगे। ये अमानत तुम्हें दी थी, वजूद अमानत दिया था, तुमने किस तरह से इन अमानतों को सर्व किया। लेकिन ये मरलावार सिलसिला है। जो आदमी पैसे में अमानतदार है, उसके बाद वो मजलिस का अमानतदार हो सकता है, करते करते फिर वो इस अपने वजूद को अल्लाह की अमानत समझता है, और इस वजूद के साथ साथ एक एक सांस जो अंदर और बाहर आता है वो इसको अल्लाह की अमानत समझ करके जिंदगी गुजारता है। आगाज माल से हुआ और जाके इसका अंजाम इंसान की जान तक हुआ। यहां तक आदमी अमानतदार जब होता है उसकी जिंदगी में इनकलाब आ जाता है। अगर कोई शख्स माली मामलात में बदयानत हो, उसकी बसीरत, उसका इल्म, उसकी महारत, उसका फन, उसकी सारी अजमतें, सारा इल्म बिल्कुल बेसूद है, वो अगर कोई हिमालय के बराबर भी हो तो वो एक यूं समझ लें वो रेत का पहाड़ है, उसके अंदर कुछ भी नहीं है, वो बेफैज है। जिस शख्स में अमानत नहीं है, खां वो किसी भी शोभा जिंदगी का आदमी हो, वो जितना पढ़ा लिखा आदमी हो, जितना सियाना आदमी हो, वो शख्स खाक का ढेर है, उसकी कोई हैसियत इंदल्ला नहीं है, न बंदू के नजदीक उसकी कोई हैसियत होती है। मैं इस बात को एक मिसाल दे करके, आपने इस मिसाल के एक एक पहलू पे गौर करना है, फिर इस मिसाल से जो चीजें सामने आएंगी उनकी तरफ मैं आपकी तवज्जो मबजूल कराऊंगा। मैं एक ऐसे बावर्ची को जानता हूं जिसकी उम्र इस वक्त 60-70 साल के दरमियान है, जिसने पाकिस्तान के बेशुमार शहरों में बड़े अच्छे बावर्चियों के साथ काम किया है। वो मिठाई बनाना जानता है, बिरयानी से लेकर के न जाने कितनी डिशें जो कराची हैदराबाद में पकती हैं उनका हमें पता भी नहीं होता। बड़ा माहिर कुक है, और उससे अगर आप पूछें जी बिरयानी पकानी है इतनी पकानी है, तो वो बताएगा इसमें चावल इतने हों, पानी इतना हो, फला मसाला इतना, फला मसाला इतना। अगर चावल भिगो दिए तो फिर इसमें पानी इतना डालना है, अगर नहीं भिगोए तो इतना पानी डालना है। पिछले अरसे में मेरे बुजुर्गों का उर्स था तो मैंने उससे मसाले पूछे, ऐसे मसाले उसने मुझे बताए जो यहाँ के बड़े नामवर बावर्ची आपके वादिये परल के, मैंने इनको बताया, इन्होंने कहा ये मसाले तो हम नहीं डालते। इतना माहिर आदमी और अपने यकता आदमी है। आपका भी दिल चाहता होगा कभी उसकी बिरयानी, खुदा करे कभी आप इसकी बिरयानी ना खाएं। होता क्या है, इतना माहिर आदमी जिसके उम्र के 60-70 साल इसी शोबे में गुजर गए, मिर्च मसाले से लेकर के एक एक चीज का वजन उसे याद है। जब भी वो आदमी कुछ पकाता है हमेशा या चावल कच्चे रह जाते हैं या जल जाते हैं। अब आप हैरान होंगे कि ये बात मानने वाली नहीं है, आखिर बात क्या, एक आदमी इतना माहिर है, और ये नहीं कि उसने अपने हाथ से काम नहीं किया, अपने हाथ से हमेशा काम किया है, वो आदमी काम करना जानता है। लेकिन वजह क्या है, मैंने उसका जायजा लिया एक दफा, हमने भी उससे कुछ पकवाया तो वो इतना खराब कर लिया कि कोई उसको खाने के लिए आमादा नहीं था। मसला क्या था, वो एक नफ्सियाती प्रॉब्लम है। नफ्सियाती प्रॉब्लम उसका यह है कि वो जब भी कोई डिश पकाता है उसकी ख्वाहिश ये होती है कि इसमें से कुछ ना कुछ सरका के अलग कर लूं। बिरयानी पकाता है तो नजर ये होती है बोटियां अलग कर लूं। अगर जर्दा पकाना है तो ख्वाहिश ये है कि इसमें खोपरा किशमिश और अगर और कोई चीज हो तो वो किसी तरह से अलग कर लूं और वो अपने थैले में डाल के ले जाऊं। इस कोशिश में जब वो एक तरफ पका रहा होता है उसकी नजर पकाने पे नहीं होती, वो मालकों को देख रहा होता है कि ये किधर देख रहे हैं, और जो ही मालकों की नजर दूसरी तरफ वही उसने माल सिरका लिया, उसकी तवज्जो उस खाने पर नहीं, पकाने पे नहीं होती, माल को समेटने और छुपाने पे होती है। होता ये है कि उसकी नजर चूंकि उस काम पर नहीं है बल्कि दूसरी चीज पे है, लिहाजा जब भी कोई चीज पकाता है या सड़ जाती है या कच्ची रह जाती है। इसका एक किरदार और भी है, ये इस बावर्ची पर तवज्जो देने की ज्यादा जरूरत नहीं है, मैं एक किरदार आपको बता रहा हूं। ऐसे किरदार, ऐसे बावर्ची आपको हर जगह मिलेंगे, हर दफ्तर में मिलेंगे, हर महकमे में आपको हजारों बावर्ची ऐसे मिलेंगे। दूसरा काम ये करता है, वो इतना सियाना है, उसने
न सिर्फ ये कि ये फन अपने पास रखा बल्कि अपने औलाद को भी ये सारी बातें सिखा दी हैं, औलाद को भी सिखा दी। अब अगर कोई ऐसा मौका तो उसकी औलाद भी जाके वो भी देखते रहते हैं। अब्बे ने इशारा किया, देख के ऊपर चमचा मारा, उनको पता चल जाता है चमचे का माना क्या है। वो अपने अपने थैले लेके तैयार होते हैं, जहां किसी को मौका मिला उसमें डाल के गायब हो गए। और अगर खुदा ना खासा लोगों को पता भी चल गया है कि ये बावर्ची ऐसे करता है, अब अगर मोहल्ले में इलाके में कोई ऐसा कोई खुशी गमी का मौका है और कोई उसको अब नहीं बुलाता, दूसरे को जब बुलाता है ये खुद ब खुद देख के पास चला जाता है। इसको कहा जाए कि जनाब आप जाके उधर बैठे हैं, वो देगा कौन, बड़ा तू है, उतने सेक भी लगना है इस मौसम में बिलखसूस। मगर ये आदमी ये कहना ना, ना, ना मैं जरा देखभाल कर सकता, देगा नहीं, मैं जरा लोगों ने देखभाल कर सकता, ये खुद ब खुद वहां चला जाता है और फिर वहां उस मौके की तलाश में होता है। कब मौका मिलेगा तो अपना हाथ साफ कर जाऊंगा। आपने इस बावर्ची को देखा, इसके किरदार को देखा, आप समझते हैं कि ये बावर्ची अखलाकी तौर पर बहुत गिरा हुआ इंसान है जो न खुशी के मौके पर हाथ साफ करना छोड़ता है न गमी के मौके पर। लेकिन मैं आपसे यकीन करके कहता हूं, इस मुल्क के आजाद कश्मीर और पाकिस्तान में कोई ऐसा दफ्तर शाज़ो नादर ही बचाओ जिसमें कोई इस बावर्ची के ज़हनियत का आदमी मौजूद ना हो। कोई ऐसा दफ्तर इल्ला माशाल्लाह कोई है तो खुश नसीब है जिसमें ये बावर्ची बैठे हुए हैं, ये बावर्ची बैठे हुए हैं जिनके पास प्रोफेशनल स्किल मौजूद है। ये इंजीनियर हैं, ये डॉक्टर हैं, ये प्रोफेसर हैं, ये अपने शोबे के माहिर लोग हैं, इनको सारा इल्म है। इन्होंने एफएससी में मैट्रिक में 80%, 85%, 90% नंबर लिए हैं, प्रोफेशनल कॉलेजेस में जाके पढ़ा है, ये सारी तामीरात की एक एक बारीकी को जानते हैं, ये इलाज की एक एक शोबे से पूरी तरह से वाकिफ हैं, इल्ला माशाल्लाह, ये सब कुछ जानते हैं। मगर इनका मकसद अच्छी इमारतें तैयार कराना नहीं है, उस इमारत उस बावर्ची की तरह से माल समेटना मकसूद है। इनका मकसद यहां अच्छी रोडें बनाना नहीं है, उनको पूरा पता है कि रोड में कंपक्शन कितनी होगी तो ये रोड चलेगी, इसमें लुक कितनी पड़ेगी, इसमें मटेरियल कितना पड़ेगा। मगर गोइनाला रोड की हालत आप देख रहे हैं, ये क्या हो रहा है, ये उस बावर्ची का सा खेल है जहां मकसद ये नहीं है कि यहां कंपक्शन कितनी हो, यहां लुक कितनी पड़े, ये चौड़ी कितनी हो, मकसद यह है कि इससे हमारा पेट कितना भरेगा। लिहाजा इन हजरात की सारी प्रोफेशनल स्किल के बावजूद, सारी महारत के बावजूद, सारे इल्म और तजुर्बे के बावजूद मुल्क और कौम को कुछ नहीं मिल रहा है। मैं ये नहीं कहता सारे बदयानत हैं, लेकिन आप खुद ही अंदाजा करें, तजिया आप करें, कितने लोग होंगे जो उस बावर्ची से मुख्तलिफ हैं। हम कहते हैं वो बावर्ची बहुत घटिया जहनत का आदमी है, मगर वो शायद अनपढ़ आदमी होगा। उसका बावर्ची का दायरा कार ही कितना, कौन से हर रोज लोग मरते हैं या शादियां करते हैं, कभी मौका मिलता है, वो लोग जिनको DDO पावर हासिल हैं, जिनकी कलम से हर रोज सैकड़ों नहीं हजारों लाखों रुपए ऑपरेट होते हैं, लाखों रुपए निकलते हैं। अगर कोई शख्स उस बावर्ची की ज़हनियत का किसी जिम्मेदार ओहदे पर मौजूद है तो आप खुद अंदाजा करें उस महकमे का क्या हाल बनेगा। ये वो सूरत हाल है जो हमारे लिए बड़ी तशवीशनाक है कि लोग मौजूद हैं, बसीरत है, इल्म है। और इसकी एक खासियत मैं आपको और भी बताऊं, बात अब हमने उसके सामने बात की कि इस तरह से बाद लोग खाने पकाने में हेरा फेरी कर जाते हैं, वो कहते हैं वाकई लोग ऐसे बड़े घटिया लोग हैं, बड़े घटिया हैं, यानी इस तरह से वह खत्म की रोटी में भी कोई आदमी ऐसी हरकत कर सकता है, वाकई बहुत घटिया हरकत है। ऐसे आदमी के पास बैठना भी नहीं चाहिए, बरादरी से भांडे आला करो इसकी, एक केड़ा बंदा ऐसे। अब मैं सोचता हूं कि आखिर क्या वजह है, दोनों में से एक वजह है, या वजह यह है कि उस आदमी को इदराक ही नहीं है कि लोगों को मेरे बारे में पता है कि मेरे करतूत क्या हैं, या फिर वो बेशर्मी में उस हद तक पहुंच गया है कि उस पर असर ही नहीं होता है। आज ऐसे लोग मौजूद हैं हमारे साथ, बात लोगों की मीटिंगें होती हैं और लोग आके इतने साफ सुथरे कपड़े झाड़ करके बात करते हैं, और जिन लोगों के स्कैंडल यहां मुख्तलिफ इदारों से सजा याफ्ता मुल्क से करप्शन के इल्जाम में बाहर भागे हैं फिर आए हैं, और उसके बाद जब टेबल पे बैठते हैं इतने साफ सुथरे होके बैठते हैं कि सुभान अल्लाह,
उस बावर्ची से भी ज्यादा बाहौसला है। यूं लगता है कि इनसे ज्यादा बेदाग किरदार का मालिक इस पूरी धरती में कोई नहीं है। मैं ये बताना चाहता हूं, ये बदयानत अफराद इस मुल्क के दामन पर एक धब्बा है। इन बदयानत लोगों की वजह से इस मुल्क में कुछ नहीं हो रहा है। ये मुल्क तमाम बर्बाद इन बदयानत लोगों ने किया है, जिन पर यह मुल्क अपने वसायल सर्व करता है। प्रोफेशनल कॉलेजेस में इनको पढ़ाता है, इन ये जिन कॉलेजों में पढ़ते हैं उसका तमाम खर्चा हम गरीब लोग उठाते हैं, हमारे टैक्स में ये लोग पढ़ते हैं। और ये अफसोस की बात है, निचली सतह पर भी जिन पे हमारे टैक्स नहीं लग रहे हैं वो भी अपना हाथ बहती गंगा में यहाँ धोते और साफ करते हैं। ऐसे अफराद इनका जितना भी इल्म हो, इनके इल्म का हमें कोई फायदा नहीं है, इनके इल्म का हमें कोई फायदा नहीं। और ये सिर्फ मैं अफसरों की बात नहीं कर रहा हूँ, अमानतदार सारे ही हैं। एक आदमी मुल्क की आला तीन क्यादत पर फायज होता है, वो हल्फ उठाता है कि मैं उस मुल्क का दिफा करूंगा। कोई अस्करी क्यादत की आला तीन अहदे पर फायज होता है, वो इस बात का हल्फ उठाता है कि मैं इस मुल्क के दिफा में कोई कोताही परवाह नहीं रखूंगा, मगर उसके बावजूद अमल होता है वो उसके बिल्कुल पर खिलाफ होता है। ये वो लोग हैं कि जो इस मुल्क का असली मसला है। मगर आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक और इल्तमास भी कर जाऊं, और वो ये है कि ये इस महीने का चूंकि पहला जुमा है, आप हमारे साथ जो दामन करते हैं अल्लाह आपको जजाए खैर अता फरमाए। सच बात यह है कि हमारा इदारा इस तरह चल रहा है जिस तरह परिंदों का निज़ाम चलता है। आप हर महीने जो कुछ देते हैं वो हर महीने खर्च होता है, हमारे बैंक बैलेंस में कुछ नहीं है। जिस तरह परिंदे सुबह निकलते हैं उनको नहीं पता होता कुछ मिलेगा या नहीं, बिल्कुल भी है नहीं। ये सूरत हाल हम किसी बहरान का शिकार तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह आप पहले ईमान को सलामत रखे, आपके दामन की वजह से आज तक किसी बहरान का शिकार नहीं हुए। लेकिन हमारी हालत फिल वाकई यही है, आप हर महीने जो दामन करते हैं उसी से हमारा निज़ाम चलता है। 110 से ज़्यादा तलबा आपके यहाँ मेहमान हैं और इनकी खुर्द नोश का जो इहतमाम हम कर सकते हैं वो करते हैं। दूसरे मदारिस से हम तकाबल नहीं करते कि दूसरे मदारिस में कितना अच्छा पकता है, हमारे यहाँ कैसे पकता है आप खुद देख लें। दूसरे मदारिस के बच्चों की सफाई का हम अपने साथ तकाबल नहीं करते, इन बच्चों को भी आप देख लें और भी देख लें जो गुरुबजवार में हैं। लेकिन बहरहाल ये आपके मेहमान हैं और ये मस्जिद आप देख रहे हैं, बाकी तो इमारतें तामीर हो रही है मगर इस मस्जिद पर अभी तवज्जो नहीं है। इंशाल्लाह ये मस्जिद भी हमने इन्हीं इमारतों की तरह से तामीर करनी होगी। इंशाल्लाह आपके ये जज्बे सलामत है तो ये ऐसा होगा। तो अब आपके पास अंदर हाल में लियाकत खान साहब और सैन बरामदे में हाफिज रोमान, ऊपर हाल में पठान सुल्तान और आखिरी चंद में मोहम्मद नसीर खान साहब, ये आपके पास आ रहे हैं, आप इनके साथ फरमाएं। हाँ, मैं अर्ज ये कर रहा था, ऐसे लोग जो पूरे दिन में पूरी महारत मौजूद है अपने फन के मायर रहे, इनकी सारी महारत करप्शन में सर्फ हो रही है, मुल्क को बनाने में सर्फ नहीं हो रही है। इसके मुकाबले आपने देखा पिछले जलजले में वो सारी सरकारी इमारतें जिनका कोई बहुत बड़ा आर्किटेक्ट जिसने डिज़ाइन किया होगा और कोई यकीनन कोई इंजीनियर उसकी निगरानी पर मामूर हुआ होगा जिसने वो इमारतें बनवाई, उसके मुकाबले में हॉस्टल स्कीम में जो बिल्डिंगें बनी इसमें कोई सिविल इंजीनियर वहाँ मौजूद था? किसी ने वहाँ बहुत बड़े इंजीनियर ने कंस्ट्रक्शन में उसकी निगरानी की थी? नहीं की। मगर वो सारी इमारतें मौजूद हैं, सरकारी इमारतें जमीन बोस क्यों हो गई? ये उसी बावर्ची की तरह का काम है, ये वही काम है। इस इमारतों में लगता कुछ नहीं है, उसमें जिसने बनाई वो चूंकि उसका जाती पैसा था लिहाजा उसने पूरी बेदारी के साथ जो उसको समझ आता था वैसे बनवाया। आप हमारे कॉलेज को भी देखें।